बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। नागचंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज नागपंचमी के साथ श्रावण का सोमवार भी है, इसीलिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ा रहे हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेष नाग के सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिगेट लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। चूंकि इस बार जो नागपंचमी का पर्व है वो सोमवार के दिन आ रहा है और श्रावण मास भी वर्तमान में चल रहा है, जिसमें नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है वर्ष में एक बार खुलता है पट जिसके, तो उसके लिए काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही जो श्रावण मास में प्रति सोमवार बाबा की सवारी निकलती है उसमें भी श्रद्धालु काफ़ी तादाद में आते हैं। सबको देखकर लगभग 1000 से भी ऊपर का पुलिस बल इसमें तैनात किया गया है, जिसमें बाहरी पुलिस बल भी हमारे पास है, साथ ही हमारे ग्राम रक्षा नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को भी इसमें लिया गया है जो वॉलंटियर्स हैं। प्रबंध में है, इसमें यातायात प्रबंधन है, विशेषकर जिन स्थानों से श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुँचना है उसका ध्यान रखा जाता है। साथ ही चूँकि श्रद्धालु काफ़ी तादाद में आते हैं, बैरिकेडों के माध्यम से एक होल्डअप बना के उनको पंक्तिबद्ध करके मंदिर में दर्शन तक लाया जाता है। तो यही प्रयास रहता है कि एक संतुलन रहे, कि सुरक्षा व्यवस्था भी बने रहे, साथ में जो श्रद्धालुओं को दर्शन है वो भी आसानी से हो। कंट्रोल रूम में चूँकि पूरे क्षेत्र के CCTV कैमरों का मॉनिटरिंग वॉल है, इसमें जितने भी हमारे पास में होल्डअप्स हैं उसमें भी CCTV कैमरा लगे हैं, मंदिर कैंपस में CCTV कैमरा लगे हैं, जिन सबका लाइव टेलीकास्ट इस कंट्रोल रूम में होता है, जिसको पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी वहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। रेडियो सेट और फोन्स के माध्यम से कोई निर्देश होता है तो वहाँ से प्रसारित करते हैं, जिससे व्यवस्था सही बनी रहे। अब ये श्रद्धालु की संख्या इस बार ये देखने में आ रहा है कि बाबा महाकाल की सवारी में भी और नागचंद्रेश्वर में भी अभी तक की जो श्रद्धालुओं की संख्या है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में मुझे लगता है कि अधिक श्रद्धालु आएंगे। जो सुरक्षा प्राप्त कैटेगरी के डिग्निटरीज आ रहे हैं उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आज नागपंचमी का जैसे सभी को विदित है बहुत बड़ा पर्व महाकाल मंदिर का मंदिर में रहता है और उज्जैन के लिए बहुत बड़े महत्व का पर्व है। लगभग 12 बजे आज यहाँ पट खोले गए हैं रात में और उसके बाद से निरंतर यहाँ पे श्रद्धालु बाबा नागचंद्रेश्वर जी की दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और हम लगातार उनको अधिक से अधिक संख्या में हम श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में हम अपना प्रयास पूरी तरह से सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हम लोगों ने श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुहैया कराई है, लगभग 1000 से ऊपर का बल यहाँ लगा है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं, पेयजल एवं शौचालय, अन्य डॉक्टरी सुविधा, वो सब हम यहाँ उपलब्ध कराया है, जिससे कि उनको अगर कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो हम उनको तत्काल मदद दे सकें। साथ ही हम लोगों ने पूरा एरिया CCTV मैन किया है, पूरा परिसर, बाहर का परिसर हमारी नज़र में है, पूरा एरिया हम लोग कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु मुझे लगता है कि आज यहाँ पूरे दिन भर में परिसर में आएंगे और दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे।